गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, छठी कक्षा का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पहले पाठ के शब्दार्थों के उच्चारण बताऊंगी। वैसे मैंने होमवर्क दिया था आपको, फर्स्ट लेसन याद करना, हिंदी आप याद करोगे, लेकिन आप इन शब्दार्थों को आज पढ़ना सीखोगे कि इनका उच्चारण कैसे होता है और इनका अर्थ क्या है। पहला है चषकह, चषकह, गिलास। कई बच्चे इसको चषक बोलते हैं, अह की आवाज़ नहीं आती, विसर्ग नहीं देखते, तो क्या है इसका उच्चारण, चषकह, गिलास। बृहद, बृहद, कई बच्चों की बुक में त भी होता है, बृहत, बात एक ही है और उनका मीनिंग एक ही है, अर्थ एक ही है, बड़ा। शौचकह, शौचकह, दर्जी। खेलती, इसी के अंदर अर्थ छुपा हुआ है, खेलती, खेलना, खेलता है। सीव्यति, सीव्यति, सिलाई करता है। शुनकौ, शुनकौ, दो कुत्ते। जैसे मैंने आपको बता रखा है एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, जब पुल्लिंग आ जाता है तो पुल्लिंग में देखिए क्या होता है, पुल्लिंग में आपके रूप कैसे बनते हैं। मान लो मोर है, मोर शब्द है आपका, मोर के लिए संस्कृत में मयूर वर्ड होता है, मयूर लिखते हैं। अगर एक मोर होगा मयूर, मयूर है, दो मोर होंगे मयूराऊ, और दो से ज़्यादा होंगे मयूर राहा। अब यहाँ पर दो कुत्ते, हिंदी दो कुत्ते हैं, और कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं, शुनक। अगर एक कुत्ता होता शुनकह, दो कुत्ते पूछे गए हैं तो शुनकौ, और बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, शुनकह। इसी तरह आपके पुल्लिंग के रूप आपके चलते हैं। फिर है गर्जतः, इसी के अंदर आपका अर्थ छुपा हुआ है, गर्जना, गरजते हैं। ऊंचाई, ऊंचाई, जोर से, ऊंचाई, कई बच्चे ऊंचा लिख देते हैं, होता तो ठीक है ऊंचा, लेकिन यहाँ किसके आधार पर आया, पाठ में हमारे जो कुत्ते हैं वो ऊंचे ऊंचे या जोर जोर से भौंक रहे हैं, तो यहाँ जोर से ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर है आपका एताऊ, ये दोनों। बुक्कत है, भोकते हैं। बलि वरदऊ, ये रह है इसके अंदर, बलि वरदऊ, दो बैल। धावत है, दौड़ते हैं। कर्षत है, जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा, वृद्धा, बूढ़े। कई बच्चे क्या लिखते हैं, बूढ़े, अड़, बूढ़े। गायंती, देखिए इसी के अंदर अर्थ है, गायंती, गाना गाना, गाते हैं या गायन करते हैं। हसंती, बिल्कुल इजी, हंसते हैं। स्यूतः, थैले। हरित वर्ण, हरित, संस्कृत में हरित का अर्थ होता है हरे, और वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग के। ऐसे ही आपका नील वर्ण, नील, नील का अर्थ क्या हुआ, नीले, और वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग के, रंग, नील नीला और वर्ण रंग, तो क्या अर्थ हुआ इसका, नीले रंग के। तो विद्यार्थियों, बहुत सारे आपके ऐसे शब्दार्थ हैं कि आप अगर उसके शब्द देखते हैं तो अर्थ भी आपको अपने आप उन्हीं के अंदर से मिल जाते हैं। तो आपको हिंदी, मैंने वैसे मैं ये सारा लेसन करवा चुकी हूँ आपको वीडियो में, लेकिन अब आपको याद करना है, तो याद करोगे पहले वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपकी लेसन जो पढ़ेंगे हम, जैसे ये है हमारा पहला पार्ट है, तो वर्ड मीनिंग तो वही है,
जो हमने अभी पढ़े हैं, तो उनका उच्चारण सही होगा, उनका अर्थ आता होगा, तो हम इस पाठ की हिंदी भी अच्छे से याद कर सकेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने लिख भी लिए होंगे ये वर्ड मीनिंग, लेकिन अब आपको उच्चारण सहित इनको याद करना है।